हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ NYB की अगेन लिप क्रेयॉन। एंड दिस इज़ द लिप क्रेयॉन, यू कैन सी इसका कोई आउटर पैकेजिंग नहीं था, इसका इसी तरह से सील्ड पैक पैकेजिंग आया था। और मैंने इसे पर्पल की साइट से ऑर्डर किया था, ये एज सच और कहीं अवेलेबल है नहीं अभी मार्केट में। और साथ ही मैं इसके बारे में बता देती हूँ, इसका डिसएडवांटेज मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी। फर्स्ट डिसएडवांटेज, इसके साथ कोई शॉपर नहीं आया है, आपको अलग से कैरी करना पड़ेगा, अलग से परचेज करना पड़ेगा। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज मैं आपको शो करती हूँ, दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज। इस तरह से निकल जाना, मतलब इस छोटे से पार्ट को अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं और निकल जाता है तो इसे आप कहाँ संभाल के रखेंगे? आई मीन दिस इज़ नॉट गुड। बट ओवरऑल हम इसके प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस 149 रुपीज़ है, क्वांटिटी इसकी 2.8 ग्राम है और शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। और साथ ही इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, इसका शेड है क्राउड प्लेजर 15 नंबर। और मैंने रेड शेड ही ऑर्डर किया है बिकॉज फिलहाल मैं रेड कलर की लिपस्टिक ही परचेज कर रही हूँ, क्योंकि पिंक कलर का कलेक्शन मेरे पास है बट रेड का भी कलेक्शन आई नीड। सो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने से पहले मैं आपको इसका टेक्सचर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मैट फिनिश लुक है इसका, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। सो आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंट लुक लग रहा है और बहुत ही अच्छा सा डीप रेड कलर इसको हम बोल सकते हैं। और चलिए मैं इसको लिप्स पे अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसके बारे में फर्दर डिटेलिंग की बात करते हैं। तो मैंने इसे अपनी लिप्स पर अप्लाई कर दिया है एंड इट्स लुक सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। काफ़ी क्रीमी मैट टेक्सचर है और इसका क्रेयॉन काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसकी स्टेइंग पावर की बात करी जाए तो सबसे पहले इसकी स्टेइंग पावर की बात करी जाए तो 7 to 8 आवर्स इसकी स्टेइंग पावर है, जी हाँ। और इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, आप चाहें तो और भी अनदर शेड परचेज कर सकते हैं। और मैं रेड इसलिए मंगवाती हूँ, सबसे पहले जब भी इनिशियली मुझे कोई लिपस्टिक ट्राई करनी होती है बिकॉज रेड का जो इतना हाई पिगमेंटेशन होता है कि उसकी स्टेइंग पावर पता चल जाती है एंड लिप्स पर कैसा उसका टेक्सचर पता चल जाता है। और अगर उसका टेक्सचर वर्स्ट भी हो तो भी रेड लिपस्टिक है तो रेड तो किसी भी ओकेजन या ज़्यादातर काम आती है, तो इसीलिए मैं रेड कलर की ही लिपस्टिक मंगाती हूँ सबसे पहले। और इसकी भी मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ही मंगाई है और इसका कंसिस्टेंट शेड है, आप देख सकते हैं इवनली अप्लाई हुई है पूरी लिप्स पे, बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ ही मैट फिनिश है, वाटर रेजिस्टेंस है, एक्सीलेंट कवरेज है इसका। और जी हाँ, दिस इज़ द वाटर प्रूफ लिपस्टिक। अब मैं इसका कैप लगा देती हूँ सबसे पहले मैं इसका कैप लगा देती हूँ। और साथ ही इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही टेक्सचर की बात करी जाए तो बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और बटरी टेक्सचर है, बिल्कुल लाइट वेटेड है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बहुत ही हैवी सा लिप्स पर लगा रखा है। सो ओवरऑल मैं इसको बहुत 8 मार्क्स देऊँगी, 2 मार्क्स मैं ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेज के काटूँगी, दिस इज़ द डिसएडवांटेज। और ये बार बार खुल खुल के जा रहा है, इसे मैं बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है इस तरह से, इसीलिए ये अभी तक टिका हुआ है। सो वेरी नाइस लिप क्रेयॉन, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं आप, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। और लिप्स को ड्राई नहीं बनाता है, चैप नहीं बनाता है, बहुत ही मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करके रखा हुआ है इसने। सो आई होप आपको, और हाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि इसकी लिक्विड लिपस्टिक जो है उसके कंपेरिंग ये ज़्यादा बेटर है, मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। ऑब्वियसली वो लिक्विड लिपस्टिक है, उसका अपना अलग एक रोल है, बट स्टिल आप सबसे पहले अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो पहले आप इसे परचेज करिए, उसके बाद आप सेकेंड प्रायोरिटी लिक्विड लिपस्टिक को दीजिए बिकॉज वो लिप्स को ड्राई बनाती है और ये लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं बनाती है, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है। तो डेफिनेटली आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।